सुशांत सिंह राजपूत केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में कि बिहार गवर्नमेंट की प्ली को सीबीआई ने एक्सेप्ट कर लिया है, वहीं सीनियर एडवोकेट जो है आर बसंत पहुंचे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनयूजुअल डेथ हुई है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट को अपना पक्ष जो है पहले रखने दीजिए, अपनी रिपोर्ट रखने दीजिए। लेकिन सुशांत के परिवार के जो वकील हैं विकास सिंह, उन्होंने ये दलील दी कि पहले से ही जो है बहुत सारे एविडेंस टेम्पर हो चुके हैं, ऐसे में और इंतज़ार नहीं किया जा सकता है। बेहतर होगा कि इस प्ली को जो है जो रिया ने दिया है उसमें जो है सीबीआई की ही जांच हो। उन्होंने कहा, सुशांत सिंह राजपूत फैमिली लॉयर ने कहा कि रिया चक्रवर्ती की प्ली को मैं अपोज करता हूँ फॉर अ प्रोटेक्टिव ऑर्डर इन हर फेवर। फर्दर विकास सिंह सेड दैट देयर कैन बी एनी फर्दर डिले एज एविडेंस वॉज ऑलरेडी बींग टेम्पर। उन्होंने ये कहा कि पहले ही एविडेंस जो है टेम्पर हो चुके हैं, ऐसे में इसको जो है और डिले नहीं किया जा सकता है। विकास सिंह, सुशांत फैमिली लॉयर सेड दैट दे सस्पेक्टेड द मुंबई पुलिस वॉज इन्वॉल्व इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस। सुशांत सिंह राजपूत फैमिली लॉयर विकास सिंह अपोज रिया चक्रवर्ती प्ली फॉर अ प्रोटेक्टिव ऑर्डर इन हर फेवर। उनको लगता है कि खुद पुलिस भी इसमें शामिल है, ऐसे में इसमें और डिले नहीं होना चाहिए और जल्द से जल्द इसमें जो है ऑर्डर दे देने चाहिए। इतना ही नहीं, लेट फैमिली के जो लॉयर हैं उन्होंने ये भी बताया कोर्ट को कि एक आईपीएस ऑफिसर जो बिहार से गए हैं केस इन्वेस्टिगेट करने, उनको भी क्वारंटीन कर दिया गया है मुंबई में। तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट में जो है फिलहाल दलील चल रही है, बहस चल रही है, और जो है सुशांत के परिवार के जो वकील है विकास सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात बताई है कि किस तरह से आईपीएस अफसर को मुंबई पुलिस ने क्वारंटीन किया, और उनको लगता है कि मुंबई पुलिस इस पूरे केस में जो है शामिल है और इसीलिए इसमें और डिले नहीं होना चाहिए।